ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए थे तभी चलिए हम लोग अंदर में, तो पहले उतना समय हिला नहीं, लेकिन उसके बाद में कुछ ज्यादा ही हिलने लगा, हम लोगों को दरवाजा हिला। अभी हम लोग जब ऑफिस में बैठे हुए थे तो मतलब बैठे थे तो चेयर हिला, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पूरे दरवाजे हिलने लग गए, तो सारे लोग फिर हम लोग सब सारे सर से जितने भी हमारे ऑफिस के जो इफोटो के भी हैं सारे लोग नीचे उतरे, तो थोड़ा सा बिल्डिंग ज़्यादा हिलने लग गया था। तो सारे के अभी चोलामंडलम में भी हुआ, आसपास के लोग भी काफ़ी लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए थे। हाँ, हमारे ऑफिस में दरारें आई हुई हैं, नई बिल्डिंग है, अभी हमारा एटलीस्ट एक महीना हुआ है, तो काफ़ी क्रैक आ गया है और कुछ जो डेकोरेशन हुआ था वो भी कुछ निकल गए हैं, और जस्ट पीछे तरफ जो फोटो किया है वहाँ पर भी काफ़ी क्रैक आए हुए हैं। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम लोग सबके सब डर के नीचे आ गए थे और हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़े हुए थे, अभी भी हम लोग खड़े छुए हुए हैं। सहमे हुए हैं अभी भी आप? हाँ बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण दास मानिकपुरी है, मैं रिलायंस कैपिटल में जॉब करता हूँ। हेलो, काम आ जाएगा ना, तो वैसे उनको व्हाट्सएप में भेज दो, डायरेक्ट बोले मोबाइल से ले ले रहे हो ना। हमारा सीधे सीधा अपार्टमेंट है वहाँ पे, जिस वक्त भूकंप आया क्या नजारा हुआ यहाँ? यहाँ चारों तरफ हमारे ऑफिस के आजू बाजू पूरे बिल्डिंग है, तो जितने लोग थे सब के सब नीचे उतर आए थे, और हम लोग भी ऊपर ऑफिस में बैठे हुए थे, हम लोग भी नीचे आ गए। बाजू में चोला फाइनेंस है, सामने रिलायंस है, और आपका डस्टर शोरूम है, बाजू में मुरारका भवन है, सब के सब नीचे आ गए थे। रोड पे आकर अफरा तफरी मच गई थी। अब तक जो खबर है लगता है थोड़ा बहुत जो नुकसान इसी इलाके में हुआ है, क्या कुछ नुकसान? ऐसा अभी हम लोग को जानकारी मिली कि सामने वाली बिल्डिंग में रिलायंस का ऑफिस है, उस ऑफिस की दीवार में क्रैक आया है, और बाकी अभी चूंकि सभी जगह एचओ से ये खबर आ गई है, सबके हेड ऑफिस ने बोल दिया है दोबारा भूकंप का झटका लगा, तो इसलिए ऑफिस सभी क्लोज हो चुके हैं, तो हमारा भी ऑफिस टोटली हम लोग बंद करवा चुके हैं। हमारा फाइनेंस ऑफिस और हमारा इंश्योरेंस ऑफिस चोला इंश्योरेंस का है, ये हम लोग बंद करवा चुके हैं। सामने रिलायंस भी बंद हो चुका है, उसके उधर भी और इंश्योरेंस के जो ऑफिस हैं। खौफ नज़र आया उस दौरान? खौफ तो बट नेचुरल सी बात है कि आदमी जब देखता है जो चीज़ को, आदमी जब महसूस करता है तो खौफ तो लगता ही है। ज़बरदस्त खौफ का नज़ारा था, हमारा ही दिल जानता है कि हम लोग को कैसा लगा। पूरा स्टाफ को बोल कर तुरंत एक झटके में दौड़ते हुए सबका नीचे आ जाना एक अपने में अलग घटना थी। आलोक हरित मेरा नाम है, चोला इंश्योरेंस में जॉब करता हूँ। तो वहाँ पे भी झटके महसूस हुए, मेरा घर मध्यनगरी चौक में वाजपेयी टावर्स में। हाँ, वहाँ वाइब्रेशंस थे, मतलब मैं चेयर पे बैठा था, पूरा चेयर हिल रहा था। मुझे एक बार की तो समझ नहीं आया कि चेयर हिलने क्यों लग गया अचानक। नहीं, वो तो भूकंप के झटके, तो अब वो समझ में आ गया कि भूकंप के ही झटके हैं, और तो भाई बिल्डिंग तो हिलेगी नहीं अपने आप। परिवार में अब उस समय बच्चे तो हमारे ट्यूशन में गए हुए थे, तो हम अकेले ही थे, तो वाइफ थी बस, तो मतलब ये हुआ कि भाई भूकंप के ही झटके हैं, तो हम लोग बाहर आ गए थे उस समय। मेरा नाम दीपक गुप्ता। और कौन?
अंदर होगा मालूम है ट्रेन अंदर है तो अंदर नहीं आप लोग आज का सैलरी था पहले नहीं ये देखिए आपके ऑफिस ये है बनाना पड़ जाएगा फिर से क्यों बिल्डिंग मजबूत है मजबूत नहीं है क्या मजबूत नहीं बना हुआ है हाँ आ गए चक्कर के अरे मैं करके आ गया यार सौ उस कारण से वहाँ आ गया व्यापार भी आप चलो रुके रहो मैं उस तरफ आई ना हूँ दस मिनट में आता हूँ होगा देखो चलो छोड़ो भी हो गया क्या लास्ट तक तो मेरे को पहले तो पता है सही बात है तो डिब्बा मिल रहा था पूरा ट्रेनिंग रूम का 300 डिब्बा रखा थी ना हमारे तो अच्छे से देखो सिर्फ ये बता सकता भी चलो मैं पुराना जोन ऑफिस में था हम लोग नीचे थे बाकी ऊपर से सारे लोग दौड़ दौड़ के भागते आए थे बेंच टेबल वगैरह हिलने लगा भागो भागो बोल के